2010 में विजिलेंस द्वारा 9,14,000 के सीटी ऑक्शन घोटाले में गिरफ्तार किए गए दीपक गुप्ता को उसके भाई अशोक गुप्ता बेकसूर बता रहे हैं। अशोक गुप्ता ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान अपने भाई पर लगे आरोपों को गलत बताया। अशोक गुप्ता के अनुसार विजिलेंस ने एक कबाड़ी का काम करने वाले सतवीर शर्मा पर आरोप लगाया था, जबकि उनके भाई से विजिलेंस को कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। हमने अपनी मांग को लेके शिवराज पाटिल जी जो इसके चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, उनको जो है वहाँ पे पेपर डायरी करवाए हैं और हमने इसकी FIR की री इन्वेस्टिगेशन और FIR की कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट डाली है। इसके अंदर कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों द्वारा हमारे खिलाफ ये जबरदस्ती की गई है। हम लोगों ने CTO में 16-10-2010 के अंदर माल परचेज किए थे, जिसके अंदर 9,14,000 रुपये की एक गबन की इन्होंने सतवीर शर्मा जी ने, जो कि रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश शर्मा का समधी है, उन लोगों ने मिलकर सब IO हमारे जो हैं दिलीप रतन शर्मा जी के साथ मिलकर हमारे खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। अशोक गुप्ता इस मामले में राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रूबरू टुडे।